जो भी चाहिए Z5 पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। आखिर कौन सा अगला कदम उठाएगी नंदिनी? खत्म करो उस बच्चे को, अपने बाप के कर्मों की कीमत ना उसका बच्चा चुकाएगा, वो भी अपनी मौत से। ये औरत मुझे इस घर में नहीं चाहिए। प्लीज रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोबत में दुआएं है उसी के लिए। कुछ तो है तुझसे रابطہ, कुछ तो है तुझसे। मैं अभी आता हूँ। क्या नंदिनी ने मुझे जेल से छुड़ाया और इतने टाइम से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी नहीं की। नंदिनी क्या सच में सुधर गई है या कुछ बड़ा प्लान कर रही है? क्या बचा पाएगा शान पुचकी और बच्चे को? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां कल शाम 7 बजे। इनका ब्लड ग्रुप पता है आपको? ओ पॉजिटिव। सॉरी, ये ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में नहीं है, दूसरे ब्लड बैंक से अरेंज करा दीजिए। हम तब तक इनका वाइटल स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। तुमसे अपने पति और परिवार की छीनी छत वापस लेकर रहे हैं। अंतरा का सामना करने के साथ जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम लाएंगे शांतनु और पुचकी की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़। होगा उनकी बेटी कृषि का जन्म, जो करेगी उनकी जिंदगी की कंस नंदिनी का खात्मा। कल शाम 7 बजे से शान अस्मिता की प्रेम कहानी लेगी एक अनदेखा मोड़। क्यों अपने अलग हुए मम्मी पापा को फिर से मिलाएगी उनकी बेटी कृषि? नफरत फिर से लेगी प्यार का मोड़ जब कृषि घोलेगी इसमें शरारत के रंग। कृषि बनकर आई है शान और अस्मिता की जिंदगी में कृष्णा का रूप, जो कराएगी उनका फिर से मिलन। कैसे करेगी वो कंस रूपी नंदिनी का अंत? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां कल शाम 7 बजे। वेल, काफी जल्दी मूव ऑन कर गए यार तुम तो। वैसे हाँ भाई, जमाना बहुत तेज है आजकल, कौन किसकी देर रुकता है। मूव ऑन मैंने नहीं, तुमने किया है शान। अगर तुमने 6 साल पहले वो घिनौनी हरकत नहीं की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर भी पता नहीं क्यों ये एहसास होता है कि हमारा बच्चा जिंदा है। तेरी शामत आ गई है, इतनी देर तक बिस्तर पर पड़ी है, मारा नहीं है कहीं की? मैं उठती है कि दूं एक। सॉरी बाबा, वो मीठा वाला सपना देख रही थी इसलिए नहीं सुनाई दिया। वैसे भी बाहर तो कितना अंधेरा है, कैसे पता चलेगा सूरज दादा आ गए? आवाज बंद कर, 10 मिनट में रेडी चाहिए मुझे, वरना जानती है ना मैं क्या करूंगा। पता है बाबा, पता है। चल। पानी डालना ही था तो पूरी बाल्टी भर के डाल देते, नहाना तो हो जाता कम से कम। फिर बोली तो कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। चल तैयार हो जल्दी से, स्कूल जाना है। स्कूल? मेरा भी दाखिला करवाते ना स्कूल में, मैं भी पढ़ूंगी। दादा सपने ना देख मत, स्कूल में चॉकलेट बेचने जा रहे हैं, तेरा दाखिला करने नहीं, समझे? चल यार।
क्यों बार बार गुस्सा करते हो? बेटी हूँ मैं आपकी, कभी तो प्यार से बात करो। पानी डाल के उठाया, उससे अच्छा प्यार से उठा लेते तो भी उठ जाती। आपको पता है कल मेले में पापा मिले थे, वो कितने अच्छे थे, इतने अच्छे से मुझसे बात की। आप उनके जैसा बनो ना, आप भी अच्छे से बर्ताव करो ना। चुप, अली ड्रामेबाज। बाप नहीं हूं तेरा मैं, और तू बेटी नहीं, सर पे बोझ है मेरे, बोझ। शुक्र कर पाल पोस के बड़ा किया है, वरना जिंदा ही नहीं होती। तो बेटी हूं आपकी। पता है ना, गुस्से में कुछ भी कहते हैं, वही है बाबा। तू तैयार हो जा। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सोमवार को ये तीरी गलियां में देखिए। लड़की होगी तो नाम होगा कृषि। I'm sorry, Mr. Majumdar. मुझे आपकी बेटी को स्कूल से निकालना पड़ेगा। अगर मेरी बेटी को कुछ भी किया ना, तो सबसे पहले तेरे को यहाँ से निकाल के फेंक दूंगा। जहाँ अस्मिता को पता चल जाएगा कि उसकी बच्ची जिंदा है और वो कृषि है, कैसे ढूंढेगी अस्मिता कृषि को और क्या शान देगा उसका साथ? अपनी आंखें खोलेगी तो वो अपने आप को एक ऐसी जगह पाएगी जहां वो बिना किसी नाटक के अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगी। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला चुका हूं अंतरा। अंतरा को कोई नहीं मार सकता, कोई भगवान, कोई भी। और क्या उखाड़ लिया तेरे भगवान ने? मार दिया ना मैंने अपने भाई को। अभी अभी तुमने बोला ना कैमरा में, तुम्हारा वो कन्फेशन हमने कैमरा पर रिकॉर्ड कर लिया। हमें तो हमारा घर वापस मिल गया और तुम्हें भी तुम्हारे किए की सही जगह मिलने जा रही है, जेल। मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन उसे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। अगर लगा होता तो आज वो मेरे साथ होती। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास वापस, कभी नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप खुद उसमें बिलीव करती हैं? हाँ, तो फिर आप जीजू के पास वापस क्यों नहीं जाते? अरेस्ट कर लो इसको। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे? इसे भी अरेस्ट कीजिए। अभी तो थोड़े टाइम के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी चाची सबूत लेकर नहीं आई यहाँ पर तो परमानेंटली अंदर जाओगे। वर्षा, राजगद्दी के वारिस का राज अभिषेक करने का वक्त आ गया। मेरा सपना पूरा होने वाला है, मेरा बेटा राजगद्दी का वारिस होगा। पूर्वा, मैं यकीन के साथ तो नहीं, लेकिन शायद मैं जानता हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसके कारण मेरे हाथों गुनाह हुआ। सीधा सवाल पूछूंगी, साफ जवाब देना। पता नहीं ऐसा क्यों किया उसने। आंटी, बुरे में ना हमेशा कुछ भला छुपा होता है, और ये जिस तरह से उस लड़के ने पलटी मारी है ना, सच कहूं तो मुझे मेंटली ठीक बिल्कुल भी नहीं लगा। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। अब तक आपने कुछ बनाना शुरू नहीं किया, और पिछली बार ना वो चमत्कारी था जो हम लोगों को आपकी डिश पसंद आ गई। ऐसे चमत्कार रोज रोज नहीं होते मिस्टर अहमद। अगर आपने अभी कुछ नहीं बनाया ना, तो आप सेकंड राउंड से बाहर हो जाएंगे।
कुछ करो, ऐसे खड़े मत रहो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास।